नमस्कार दोस्तों, अब एक ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ साथियों, बता दें कि 50,000 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पर ही साथियों, कई हजार घर बुरी तरह से टूट चुके हैं। अभी अभी ऐसा भयंकर भीषण भूकंप आया है 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर है। जिस प्रकार साथियों बता दें कि इस तरह से तबाही मची है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग है इस तरह से जमी जोद हो गई है साथियों, टूट कर इस तरह से नीचे आ गई है कि पूरी तरह से चूर चूर हो गया है। लोग अपने जो साथियों बता दें कि घरों बिल्डिंगों कमरों में अपने घरों में सो रहे थे, वो सभी दबकर सभी की मौत हो गई। ये बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने जो सामना रही है साथियों तुर्की से। दक्षिण तुर्की में गुरुवार को 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। इस हादसे में 23 लोग घायल हुए जबकि कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। इस भूकंप का केंद्र माल्टिया प्रांत के येसुलर्ट शहर में हुआ है। इसमें अदमियाना में महसूस किया गया है। ये दोनों प्रांत फरवरी में भयानक भूकंप से प्रभावित हुए थे, जिससे तुर्की और सीरिया में कम से कम 50,000 लोगों के मारे गए थे, जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस तरह से तबाही मची हुई है तुर्की में। अब जो भूकंप आया है बुरी तरह से, 25 की मौत, 14 लोग घायल हो गए हैं। बड़ी खबर।